आज जैसे कि आपको भी कॉन्स्टिपेशन होती होगी, ऑब्वियस सी बात है मुझे भी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या है और इसको ट्रीट करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। गैस एक ऐसी बीमारी है जो पेट की मांसपेशियों को प्रभावित करने और डाइजेस्टिव सिस्टम को कम कर देती है, जिससे पेट खाली खाली करने में भी हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे गैस वाले मरीज को पेट में दर्द, पेट में सूजन, उल्टी, मतली आना, दिल की धड़कन उनकी अचानक से तेज़ हो जाती है, या फिर अपचन, एसिडिटी आदि जैसे लक्षण भी उनको परेशान करते हैं। क्या बोला तूने? गैस की प्रॉब्लम जो होती है हल्की भी होती है, फिर गंभीर बीमारी होने की भी संभावना हो जाती है, और इससे कुपोषण, डिहाइड्रेशन और अनियमितता, ब्लड शुगर जैसी भी बीमारियां हो सकती है। ऐसे में पेट साफ करने के कुछ मैं घरेलू उपाय बताऊंगी, जिससे आप घर में बैठकर ही अपनी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। तो कुछ घरेलू उपायों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बहुत ज़्यादा पानी पिए। पानी पीने से आपके पेट से टॉक्सिन्स जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं। पानी आपको हाइड्रेट रखने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करता है। सुबह सबसे पहले आप गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी से आपका कोलन भी साफ करने में मदद मिलती है। गुनगुना पानी जो होता है कि वो आपके कोलन को भी साफ करने में काफी हद तक मदद करता है। सेकंड, आप नमक वाला पानी भी पी सकते हैं। एक गुनगुने गिलास में आप 2 या 3 चम्मच पानी की मिलाकर उसे खाली पेट पी लें। इससे आपको कुछ ही मिनटों में आपके कोलन को साफ करने ये आपके कोलन को भी साफ कर देगा और आपके पेट से जो भी टॉक्सिन्स होंगे उसको भी बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप फाइबर से भरपूर फूड्स का भी सेवन कर सकते हैं। फाइबर फूड्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही बनाए रखता है और कोलन को हेल्दी बनाए रखने के लिए भी फ्यूल के रूप में काम करता है। यह आपके स्टूल को भी पास करने में काफी हद तक हेल्प करता है। हाई फाइबर आपको नाशपाती, सेब, गाजर, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा में भी मिल जाएंगे। अन्य फाइबर फूड्स आपको दाल, चने, किडनी बीन्स, ओट्स में भी मिल जाएंगे। थर्ड, हम बात करते हैं कि आप नींबू के साथ शहद का भी सेवन कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, नींबू जो होता है हमारे पेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और नींबू से हमारे पेट को साफ करने में भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। पेट साफ करने के लिए आप रोज सुबह 1 चम्मच शहद के साथ नींबू पानी पिए। आपको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कुछ हद तक फायदा जरूर पहुंचेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अदरक के बारे में। पेट साफ करने के लिए सबसे असरदार घरेलू उपचारों में से अदरक बेहतरीन होता है। इस अदरक जो होता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये आपकी कोलन की सूजन को भी कम करने में काफी मदद करता है और आपके पेट से भी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काफी हेल्पफुल होता है। 2,000 years later. So, अगर आपको भी कॉन्स्टिपेशन है तो आप भी इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। सो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।